अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे। और ब्लॉग की हो गई दो दिन छुट्टी, क्योंकि लैपटॉप सेटिंग वगैरह कर रहा था। आप लोगों ने इससे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा कि लैपटॉप का SSD ख़राब हो गया था, इस वजह से सेटिंग वगैरह करने में तो ब्लॉग एडिट नहीं हुआ और ना ही अपलोड हुआ। और आज कुछ सीन ये है कि सुनने में आए कि रिजल्ट आने वाला है आज सेकेंड ईयर कॉमर्स वालों का, तो देखते हैं यार, दुआ है इंशाल्लाह अच्छा आएगा रिजल्ट। रिजल्ट आई थिंक शाम तक आएगा। और कल का जो ब्लॉग जो आएगा ना, वो आप लोगों को मैच का मिलेगा, क्योंकि है टूर्नामेंट नाइट मैच, वहां जाना है। तो आज का ब्लॉग करते यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था तो ध्यान आ गया सुबह सुबह मेरे बाबा, इसकी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि इसने अपने आइस के ऊपर ना चोट लगा ली है, तो दो दिन से इसकी तबीयत ठीक नहीं। तभी आया मामू के पास, मैं कर रहा हूँ लैपटॉप में अपना काम, जल्दी से काम फिनिश करके भी सीधा जाऊँ शॉप से। हेलो करो, हेलो करो, हेलो। ए बाबा, काम से तो फारिग हो चुका हूँ। अभी दोस्त का मैसेज आया था, उसने कहा कि रिजल्ट चेक किया, मैंने कहा कि नहीं यार रिजल्ट तो ये पता है कि आ जाएगा, लेकिन टाइम वगैरह का नहीं पता। फिर उसने मुझे बोर्ड का सेंड किया कि 11:30 बजे रिजल्ट आना था और अभी टाइम हो रहा है 2, अभी तक मैंने रिजल्ट चेक नहीं किया। अभी उसको कहा है कि यार किसी से पक्का कन्फर्म करो कि रिजल्ट आ गया या नहीं आ गया, फिर मैं चेक करूँगा। तो इससे पहले मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, 2 बज गया ना, मुझे शॉप जाना है। इस वजह से अब मैं जा रहा हूँ शॉप, जैसे ही वो मैसेज करेगा फिर घर आऊँगा, लैपटॉप निकालूंगा और चेक करूँगा, फिर आप लोगों को भी बताऊँगा क्या रिजल्ट बना। शॉप से आ चुका हूँ और रिजल्ट भी आ चुका है, अभी पता चला। तो मैं सबसे पहले खाना खा लूँ, खाने में बिरयानी, खाना खाने के बाद जाऊँगा रिजल्ट चेक करने कि क्या बना है क्या नहीं बना है। इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म, अब करते हैं हम लोग अपना रिजल्ट चेक। काफ़ी देर हो चुका है कि रिज़ल्ट आ गया, सारे मैसेज कर रहे भाई रिज़ल्ट क्या बना, रिज़ल्ट क्या बना। तो चले जल्दी से चेक करते हैं, लैपटॉप खोले, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। आवाज़ नहीं निकल रही है मेरी भाई, अलग से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही, क्योंकि रिज़ल्ट आ गया, पता नहीं क्या बना होगा। और जिससे काफ़ी सारे दोस्त थे उन लोगों से पूछा, उन लोगों ने काफ़ी सारों ने मैसेज दिया कि भाई पेपर रुका पेपर रुका पेपर रुका। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा डरा हूँ, बट ये चीज़ है कि जो पेपर देता उसको पता होता है यार। माशाल्लाह से सारे पेपर अच्छे दिए थे, तो उम्मीद भी अच्छी लगा कर रखा हूँ कि अच्छा रिज़ल्ट आया होगा। जल्दी से ओहो, पहले इसको करते हैं बॉक्स को खाली जल्दी से। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे तो, क्या रिजल्ट आया होगा। पहले खोलते वेबसाइट, खोलने के बाद रोल नंबर डालूंगा, फिर अपना रिजल्ट देखूंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डायरेक्ट कैमरा लैपटॉप पर नहीं होगा, क्योंकि पहले मैं तो देख लूँ क्या आया, इतना मेहनत किया था, क्या रिजल्ट बना है क्या नहीं बना है। तो इधर लिखते हैं BIEK वेलकम टू बोर्ड। ये रहा डिसेंडिंग, खुल जा जल्दी से। हाथ पांव फुल ठंडा हो रहा है कि क्या आया होगा रिजल्ट। अरे नेट भी तंग कर रहा है, और नेट तो तंग कर रहा है कि रिजल्ट पता नहीं अच्छा आया होगा नहीं आया होगा। ये खुल गया, अब इसको करते हैं जल्दी से चेक। काम गया, काम गया, रेगुलर। नहीं यहाँ से नहीं, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमारी वेब से जाके देखते हैं कि उधर बता रहे नहीं। इंटर रिजल्ट 2022 आ गया, आ गया, आ गया। अब इसमें डालेंगे जल्दी से रोल नंबर, रोल नंबर आ गया।
वो मेरा जो दिल जो है ना वो बिल्कुल धक धक हो रहा है। क्लिक हर्ट टू चेक रिजल्ट। इंटर योर रोल नंबर। आप लोगों को बताऊं रोल नंबर या नहीं? चले कुछ रोल नंबर लिखता हूँ, लास्ट नंबर आप लोग तुक्का लगा के चेक कर ले, फिर आप लोग बोलेंगे झूठ बोल रहा है ब्लॉग में ये वो है। तो 90 कहाँ लिखा रहा है ये रहा 909। हाँ 90978 उसके लास्ट क्या है आप लोगों को नहीं पता? नहीं ये नहीं। अरे अरे गलती 9093। हाँ ठीक है। और एक अब लास्ट में क्या है जल्दी से करते हैं चेक। वैसे मैं सच बताऊँ तो रोल नंबर में झूठ बोल रहा हूँ, ये रोल नंबर नहीं है, बस 909 है। उसके बाद फिर आप लोग तुक्का लगा के डाल लें क्या आता है क्या नहीं आता है। मैं जल्दी से करके 909 आप लोगों के सामने डालूँ, बट अब छुपा के डालता हूँ। ओह 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 सबमिट। यस सारे पेपर क्लियर हो गए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह से सारे पेपर क्लियर हो गए। उम्मीद था कि अच्छा पेपर दिया और ग्रेड भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बना है। नहीं बताऊंगा व्लॉग में नहीं बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आप लोग को अगर देखने हैं तो इंस्टाग्राम पे जाएं, उधर स्टोरी लगा दूंगा कि इंटर का क्या रिजल्ट बना, वहाँ से जाके देख लें। पहले तो अल्लाह लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह से सारे पेपर क्लियर हुए और अच्छे ग्रेड से क्लियर हुआ। तो हम ये कहाँ मैं दिखा रहा हूँ, अब जल्दी से इसको कर दो बंद। अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे देख लें क्या रिजल्ट बना है क्या नहीं बना है। अब मैं सबसे पहले जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास उन्हें खुशखबरी सुनाने कि अल्हम्दुलिल्लाह से सारे पेपर क्लियर हुए और अच्छे ग्रेड से क्लियर हुए। अब करता हूँ मैं जल्दी से अपना लैपटॉप क्लोज। बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार मैं। अब मैं जा रहा हूँ दोस्त के पास नहीं फैदी भाई लोग के पास, और कल है टूर्नामेंट मैच, काफ़ी अच्छा व्लॉग बनने वाला है। तो कल का व्लॉग आप लोगों ने लाजमी देखना है मैच का। फैदी भाई लोग के पास से आ चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ अपना काम करने, और जो नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा टूर्नामेंट मैच का। काफ़ी बेहतरीन मैच होने वाला है आज नहीं कल। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ठोक दे, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।